नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग ये प्रश्न कर रहे थे, तो मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, इसमें एक्स से आप गुणा कर देंगे तो 2x+3x+4x=180 डिग्री, है ना दोस्तों। ये जो अनुपात है, इसको हम मान लेते हैं कोई एक एक्स रहा होगा, कोई एक अमाउंट रहा होगा, जो तीनों में से कॉमन रहा होगा वही चीज कट गया होगा, तभी ये इतना अनुपात बचा है, 2:3:5, है ना दोस्तों। तो हम उस जो चीज कट गया है उसको हम एक्स मान लेते हैं और इसमें गुणा कर देते हैं हर एक एंगल में। ये एक पहला एंगल है, दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल, और तीनों को योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो 3 2 5 और 4 9x=180 डिग्री, x=20। दोस्तों एक्स जो है वो 20 डिग्री आ गया, तो जो प्रत्येक कोण हो जाएगा, एक है 2x यानी 40 डिग्री, एक है 3x यानी कि 60 डिग्री, एक है 4x यानी कि 80 डिग्री। दोस्तों अगर आप ये जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री आ रहा है, यानी आपने सही किया है। यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण ये था कि आप ये 2, 3, 4 में जो आप x जोड़ते हैं, क्योंकि कोई x अमाउंट रहा होगा। देखिए देखिए दोस्तों, x ये क्या था, ये जो आया है ना आपका एंगल 40 डिग्री भागे 60 डिग्री, कितना है दोस्तों कट के, 20 दूनी 40, 20 या 60, यानी कि जो 20 था वो एक्स रहा होगा, तो हमने जब जोड़ा तो हमारा 20 आ गया। समझे दोस्तों, आप प्रयास करें और भी क्वेश्चन करें, आपको सब समझ में आएगा। आइए इस वाले प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारे प्रश्न है, आपको करने में बहुत आनंद आएगा। क्वेश्चन समझिए और उसको हल करिए, हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक भी हो, तो आप अपने भाई बहनों, माता पिता, स्कूल में सहपाठियों और शिक्षकों से पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक विद्यालय की टीम ने 6 वर्ष या इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 4 में ही की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। इस बार 6 भैया, 6 खेलों में जीत, पिछली बार 4 में जीत हुई थी, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है दोस्तों, बताएं आप। बढ़ोतरी यानी अब 6 है, 6 में से 4 गए तो 2, और अनुपात किसका करेंगे, बढ़ोतरी पूछ रहा है, यानी पहले जो था ये बढ़ गया है, पहले 4 था, 100 से गुणा करते हैं, 2 50, यानी कि 50% की बढ़ोतरी हो गई। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 4 का जो 50% होगा, 2 4 2 6, अब 6 हो गया है, पहले 4 था, यानी 1.5 से जब गुणा करेंगे 50%, यानी बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, इसमें ये जो असली चीज थी, भूलने वाली चीज थी, कि आप नीचे जो है वो 4 लेंगे, अगर आप नीचे 6 ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको उत्तर नहीं देगा, नीचे 4 लेंगे, क्योंकि ये बढ़ोतरी पूछ रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ गया है, तो नीचे जो है आधार वर्ष जो है आपको पहले वाला लेंगे, पिछले वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण था, इसमें इस क्वेश्चन ट्राई करें आप। आइए इस क्वेश्चन करते हैं, पहले वाले को, एक कमीज का मूल 280 से घटाकर 210 हो गया, तो कितने प्रतिशत घट गया है, 280 से 210 हो गया, तो ये कितने प्रतिशत घटा है रुपये में, 70 रुपये दोस्तों घट। अब 70 रुपये जो है, इसको आप किससे भाग करेंगे, पहले जो प्राइस रही होगी, पहले प्राइस 280 थी दोस्तों, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, आप 210 नहीं, 280 आपको लेना, 7 चौक 28, यानी गुणे 100 अगर आपने किया हो तो 25% आ गया दोस्तों, 25% प्राइस घट गया है, घट गया तो आप समझ ही रहे हैं, 210 था, अब 210, 280 से 210 हो गया, घटा है प्राइस। इस वाले में देखो बढ़ रहा है, ये आप ट्राई करें, पेट्रोल वाला भी आप करें।
ये देखो दोस्तों, आप कुछ भी खरीदते बेचते हैं, लाभ हानि वो इसमें दिखाया गया है। इसको हम लोग लाभ हानि अगले लेक्चर में करेंगे, आज हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। मेरी माता जी कहती है कि उनके बचपन के समय पेट्रोल की दर 1 रुपये प्रति लीटर थी और आजकल यह 52 रुपये प्रति लीटर। और आजकल दोस्तों, आजकल कुछ नहीं तो 100 रुपये मान ले आप, 100 रुपये प्रति लीटर। और चलिए हम क्वेश्चन में ही रहते हैं, पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, बताएं भाई। आजकल 52 है, पहले 1 रुपया था। कितना आ गया? 51 रुपये। बढ़ोतरी कितनी हुई? 51 बटे में कितना रुपए रखेंगे? पहले का जो प्राइस था 1 गुड़े 100 है ना, पहले जो प्राइस रहता है वही नीचे लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसी से कंपेयर करके आप बताएंगे कि कितना बढ़ गया है या कितना घट गया है। तो 51 बटे 1 गुड़े 100 कितना परसेंट हो गया? 5100%। प्राइस जो बढ़ गया है 5100% बढ़ गया है। प्रतिशत जब हटाएंगे तो 5100 बटे 51 51 रुपये बढ़ गया, समझ रहे दोस्तों। आप और क्वेश्चन भी ट्राई करिए, जो ऊपर जो एक्सरसाइज है। आज यहीं करते हैं खत्म, धन्यवाद दोस्तों।